हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ईशानी पहाड़ी किचन में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पहाड़ी मालपुए। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगी। हमने एक बैटर बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक फ्राई पैन में हमने 1.5 से 2 कटोरी आटा लिया है। गेहूँ का आटा है दोस्तों, आप घर में भी अच्छे से बना सकते हो। एक से दो कटोरी आटा लिया है हमने इसमें, और एक बड़ा चम्मच इसमें हमने शक्कर ऐड की है। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक अच्छे सा बैटर बना लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। आप चाहो तो इसमें घी और दूध से भी घोल बना सकते हो, तो मैंने तो पानी से ही घोल बनाया था इसका। कुछ इस तरह से एक बैटर तैयार कर लेना है दोस्तों हमने। बहुत स्वादिष्ट लगते हैं दोस्तों ये खाने में। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, जब हम लोग ये बैटर बनाएंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। एकदम बैटर बहुत स्मूथली निकलना चाहिए हंसी से। अब हमने चढ़ा दिए दोस्तों गैस पर कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद हम इस बैटर को कचली की सहायता से थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। देखा दोस्तों, जैसे मैंने बनाया इसी तरह से। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप भी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों घर में। बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। इसी प्रकार मैंने सारे मालपुए तल लिए थे। बहुत स्वादिष्ट लगते हैं दोस्तों खाने में। देखा दोस्तों, कैसे गोल गोल मालपुए एकदम फुले फुले ऊपर आ जा रहे हैं। आप भी घर में बना सकते हो दोस्तों, ज़रूर ट्राई करें। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगी। ऐसे उलट पलट कर हमें कसली से चलाते रहना है इसको, नहीं तो ये जल जाते हैं दोस्तों। देखा, हमने इसी तरह से सारे मालपुए तल के। देखा दोस्तों, कैसे गोल गोल मालपुए बन रहे हैं हमारे। बहुत टेस्टी लगते हैं दोस्तों ये खाने में भी। मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट में बताएं आप सभी को मेरा वीडियो कैसा बना था। अगर कोई कमी रह गई हो दोस्तों वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सारे मालपुए तलने के बाद हम एक पैन में 1 से 1.5 गिलास पानी ले लेंगे। दोस्तों, हम एक चाशनी तैयार करेंगे इसके लिए। एक बड़ा चम्मच हमने इसमें शक्कर ऐड की है दोस्तों। चाशनी हम ज़्यादा एक तार की या दो तार की ऐसा कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा चिपचिपा हमें चाहिए चाशनी में। 1 से 2 इलायची इसमें कूट कर डाल देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। और ये चाशनी नीचे गैस से तार के हम इसमें मालपुए एक एक करके अच्छे से भिगो भिगो कर निकाल लेंगे दोस्तों। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं दोस्तों, आप भी ज़रूर ट्राई करें। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर इसमें कोई करेक्शन करना होगा दोस्तों वो भी ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए।